तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो हम सभी ये बात तो जानते हैं कि जो समर स्लैम 2020 होने वाला है अब वो बॉस्टन के अंदर यानी कि जो एरिना वेन्यू था वहाँ पर नहीं होने वाला है, बल्कि रिसेंटली WWE ने इस वाली थिंग को कंफर्म किया कि जो WWE कंपनी आप सभी को समर स्लैम को वहाँ से शिफ्ट या फिर कैंसिल करती हुई आ रही है नज़र। अब गाइज इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए काफ़ी कमाल की बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ सामने, जहाँ पर ये बात हो चुकी है रिवील कि प्रोबेबली क्या हो सकती है नेक्स्ट लोकेशन समर स्लैम 2020 की। समर स्लैम के दो दिन का शो होगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट आई है सामने। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर मैं जरूर से करूंगा डिस्कस। रैंडी ऑर्टन बनने वाले हैं लॉकर रूम के लीडर और इसको लेकर क्या अपडेट आई है इसके बारे में भी करूंगा बात। अलिस्टर ब्लैक का WWE पुश होने वाला अब काफी जल्दी खत्म, अब उसका रीजन क्या ये भी आ चुका है सामने। अपकमिंग स्मैकडाउन के शो के लिए क्या कुछ बड़ी चीजें आज शो के बाद हो चुकी है कन्फर्म। और इसके अलावा एक और कमाल की अपडेट भी आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन से जुड़ी है, क्योंकि रिसेंटली ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन पहुंच चुका है 1 मिलियन के व्यूअरशिप तक। तो काफी सारी अपडेट्स आपको इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगे एंड विदाउट wasting any time let's begin this video। लेकिन गाइस वीडियो को मैं इस बार शुरू करने वाला हूं अपकमिंग स्मैकडाउन लाइक एपिसोड के बारे में, जो कि WWE का काफी कमाल का शो जरूर से बन सकता है। आज का जो स्मैकडाउन का शो था उस पर मैं कुछ रेटिंग्स या फिर रिव्यू देना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो पूरा शो था आज वो मिस कर दिया क्योंकि मैं घर पे बैठ के सोता रहा था। लेकिन खैर बात कर लो कि अपकमिंग स्मैकडाउन के शो के अंदर कौन कौन सी बड़ी चीजें कंफर्म हुई है WWE कंपनी की तरफ से, तो आपको बता दूं यहां पर WWE ने इस वाली थिंग को कंफर्म कर दिया कि जो ओटिस एंड मैंडी डोज है वो हमें अगले हफ्ते रिटर्न करते हुए आने वाले नजर, एंड वो अपनी लव स्टोरी को हमें फिर से फॉक्स नेटवर्क के ऊपर कंटिन्यू करते हुए आने वाले नजर। तो काफी ज्यादा अजीब सी चीज लगी मुझे, मुझे लगा WWE सिर्फ ओटिस के रिटर्न दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर ओटिस एंड मैंडी डोज के दोनों के एंगल की जो रिटर्न है वो हमें दिखाई देगी अपकमिंग स्मैकडाउन के शो के अंदर। तो देखते हैं WWE यहाँ पर हमें क्या दिखाने वाली है। इसके अलावा ग्रैंड मेटलिक वर्सेज एजी स्टार्स के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि अगर आप सभी को नहीं पता बता दूं आज एक फेटल फोर वे मैच हुआ था जहां पर ग्रैंड मेटलिक ने जीत हासिल की उस फेटल फोर वे मैच में, और वो अगले हफ्ते हमें एजी स्टार्स का फेस करते हुए नजर आने वाले हैं। एंड नो डाउट यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स काफी अच्छा मैच जरूर से पुट ओवर करेंगे। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पर ग्रैंड मेटलिक का न्यू चैंपियन बनने का कोई चांस नहीं बनता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं जो कोफी किंगस्टन है अब वो इंजर्ड हो चुके हैं, जो बिगी ने WWE कंपनी के अंदर एक सिंगल्स पुश मिलने वाला है। हम लोग बैकस्टेज पर एक सेगमेंट देखते हैं जहां पर जो कोफी किंगस्टन है वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने उनको डबल टेबल के ऊपर से पटक दिया गया था, जिसके कारण वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप तो हार गए थे, लेकिन साथ ही साथ में अब वो इंजरी के अंदर जा चुके हैं और 6 हफ्तों तक जो कोफी किंगस्टन है आप सभी को WWE कंपनी से बाहर रहते हुए आने वाले नजर। यानी कि 1 महीना 15 दिन तक, जो 1.5 महीना आप कह लो, जो कोफी किंगस्टन है वो WWE कंपनी से बाहर रहने वाले हैं। और यही मौका है बिकी के पास कि अब वो WWE कंपनी के अंदर हमें अपना सिंगल पुश लेते हुए नजर आए। और यहां पर कोफी किंगस्टन कहते हैं कि बिगी अब तुम्हारा समय आ चुका है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं लगता है ऐसा है, अब जो बिगी ने सिंगल्स पुश मिलेगा अब देखने में मजा ये आने वाला है, अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के फ्यूड के अंदर एंटर होंगे या फिर एंटर होंगे WWE चैंपियनशिप फ्यूड के अंदर। आपके क्या है थॉट इसके बारे में नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके बाद गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया 37 के बारे में, वहां पर होने वाले मेन इवेंट के बारे में जो कि रिसेंटली हो चुका है स्पॉइल। तो आपको बता दूं कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। अभी फिलहाल जो राइटिंग टीम है वो डैनियल ब्रायन एंड एज को क्रिएटिव टीम की सारी स्टोरी लाइन के अंदर डाल रही है, यानी कि जब वो लिख रहे हैं कि स्टोरी लाइन किस तरीके से बनानी है उनमें एज एंड डैनियल ब्रायन का नाम भी अब हो चुका है शामिल। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कुछ ऐसी अपडेट्स आ रहे हैं कि जो एज एंड रैंडी ऑर्टन है वो आप सभी को एक आई क्विट मैच के अंदर मेन इवेंट के अंदर रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं रेसलमेनिया 37 के अंदर। एंड ये काफी बड़ी चीज होने वाली जब 2021 का हमें हो सकता है पहला आई क्विट मैच दिखाई दे रेसलमेनिया 37 के शो के अंदर, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मैच होगा जब दोनों ही लेजेंडरी सुपरस्टार्स हमें एक रिंग के अंदर दिखाई देंगे। एक तरफ होंगे इंजरी से रिटर्न किए हुए रेटेड आर सुपरस्टार दी एज, एंड दूसरी तरफ होंगे दी अनस्टॉपेबल मेरे हिसाब से WWE चैंपियन भी द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन। तो आपके हिसाब से अगर इन दोनों का आई क्विट मैच होता है कौन सा इनमें से जीतने वाला सुपरस्टार्स, आपके क्या हैं थॉट्स नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। अब गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के बारे में, एंड ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन पहुंच चुका है अब 1 मिलियन के व्यूवरशिप तक। तो देखो काफी सारे फैंस जो है वो AEW कंपनी को टॉन्ट इस तरीके से कर रहे थे कि भाई तुम उसकी थर्ड ब्रांड से लड़ रहे हो, तुम्हारी 1 मिलियन व्यूवरशिप तो अभी तक पहुंची भी नहीं है, तो तुम WWE से क्या टक्कर ले पाओगे जब तुम NXT को ही कभी कभार हरा पाते। तो इसको लेकर आपको बता दूं रिसेंटली डेव मेल्ज़र ने एक रिपोर्ट कह सकता हूं रिवील की है, और उनके हिसाब से जो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन था रिसेंटली 1 मिलियन की व्यूवरशिप तक पहुंच गया था। और 1 मिलियन की व्यूवरशिप उनकी एवरेज व्यूवरशिप नहीं आई है, बल्कि जो व्यूवरशिप है वो सिर्फ एक स्पेशल सेगमेंट के अंदर आई थी, और स्पेशल सेगमेंट था जहां पर द यंग बक्स हमें द बुचर्स एंड द ब्लेड का फेस करते हुए नारे थे नजर, और इस ट्रिपल
टैग टीम मैच के अंदर जो AEW डायनामाइट है, जो कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच भी था, यहाँ पर हमें जो AEW डायनामाइट है वो पहुँचती हुई नजर आई 1 मिलियन की व्यूअरशिप के ऊपर, जो कि काफी बड़ी थिंग है। इससे पता लगता है कि एक्चुअली में कितना ज्यादा यंग बक्स पॉपुलर है पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इसी के चलते मेरे हिसाब से जो व्यूअरशिप है वो 1 मिलियन तक हमें पहुँचती हुई नजर आई। अभी फिलहाल जॉन मॉक्सली वो सुपर स्टार नहीं है जो कि व्यूअरशिप को 1 मिलियन तक ले गई है, लेकिन ये यंग बक्स ने पॉसिबल कर दिखाया है और एक काफी बड़ा माइल स्टोन है यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के लिए कि वो 1 मिलियन की व्यूअरशिप गेन कर पा रही है। बाकी आपके हिसाब से क्या आप खुश हो AEW कंपनी के लिए या फिर नहीं, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बता देना। अब गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में बन सकते हैं आप सभी के न्यू WWE चैंपियन। एंड रिसेंटली आपको बता दूं ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं सामने, और ये अपडेट आई है सामने स्टीव कैरियर की तरफ से, उनके हिसाब से, और आपको बता दूं पहले जो स्टीव कैरियर हैं वो रिंग साइड न्यूज़ के मेंबर हैं, उनके हिसाब से जो WWE कंपनी है वो रैंडी ऑर्टन को WWE का एक लॉकर रूम लीडर मान रही है। अगर आपको नहीं पता बता दूं लॉकर रूम लीडर होता है एक टॉप सुपरस्टार, एक पूरा कह सकता हूं दिमागदार सुपरस्टार जिसको हर चीज़ के बारे में पता हो, बैक स्टेज के ऊपर कोई लड़ाई वगैरह होती है या फिर कोई भी असली वाली लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, कोई होती है तो उसे सुलझानी पड़ती है बैक स्टेज के ऊपर। अगर आपको याद होगा तो स्मैकडाउन के शो के ऊपर वो थे द बिग डॉग रोमन रेंस, लेकिन रोमन रेंस के जाने के बाद वहां पर कोई और सुपरस्टार होगा, मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन होने वाले हैं। इसके अलावा रॉ की बात कर लूं तो यहां पर जो है वो आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस थे अभी फिलहाल, उसके बाद ड्रू मैकइंटायर बन गए लॉकर रूम लीडर। लेकिन आपको बता दूं कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि जो WWE है अब वो रैंडी ऑर्टन को एज ए लॉकर रूम लीडर कंसीडर कर रही है, कि भाई रैंडी ऑर्टन आने वाले टाइम में WWE चैंपियन बन जाएंगे, तो क्यों ना रैंडी ऑर्टन को ही आने वाले टाइम में लॉकर रूम लीडर बना दिया जाए। और इसे जो WWE कंपनी है वो ये चाहती है कि रैंडी ऑर्टन जब लॉकर रूम के लीडर बन जाएंगे, हम सभी जानते हैं उनमें एक्सपीरियंस कूट कूट के बारे में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से लॉकर रूम को मैनेज कर पाएंगे। मेरे हिसाब से पहले भी कभी ज़रूर से रैंडी ऑर्टन लॉकर रूम लीडर बने होंगे, इस बार जब वो रॉ के लॉकर रूम लीडर बनेंगे मेरे हिसाब से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर से सही कर पाएंगे रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज के ऊपर। बाकी गाइस क्या आपके थॉट्स, क्या आप चाहते हो कि रैंडी ऑर्टन न्यू लॉकर रूम लीडर बने या फिर नहीं WWE कंपनी के अंदर, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर ज़रूर बता देना। अब हर बताने में क्यों अपडेट के बाद ये वाली लाइन ऐड कर दे रहा हूँ लेकिन मुँह से अपने आप निकल जाती है। खैर गाइस इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में हम लोग कर लेते हैं बात, जो कि इस बार जुड़ी है समर स्लैम 2020 के बारे में, चूंकि WWE का काफ़ी बड़ा शो बन सकता है। एंड क्या समर स्लैम 2020 टू नाइट शो होगा या फिर नहीं, इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है सामने। तो गाइस आपको बता दूं यहाँ पर ब्लीचर रिपोर्ट के हिसाब से जो समर स्लैम 2020 है वो आप सभी को 2 नाइट्स का शो दिखाई देगा। इससे क्या है जो WWE कंपनी है अब हमें समर स्लैम शो को एक और बड़ा शो बनाते हुए नजर आने वाले, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने रेसलमेनिया को बनाया था 2 नाइट शो, ठीक उसी तरीके से WWE इस वाली थिंग को कंसीडर कर रही है कि क्यों ना समर स्लैम को एक बड़ी डील समझा जाए और उसे भी 2 नाइट शो बना दिया जाए। बात रही न्यू लोकेशन की तो गाइस आपको बता दूं कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि जो WWE है अभी फिलहाल एक एम्प्टी एंड ओपन एरिना के अंदर करवाने का सोच रही है समर स्लैम, जो कि विदाउट ऑडियंस ही होने वाला है। लेकिन अगर जो WWE कंपनी है वो एक कह सकता हूं एम्प्टी एरिना के अंदर ही, लेकिन जो ओपन एरिना के अंदर होगा उसमें ही समर स्लैम शो करवाएगी, तो कहीं ना कहीं WWE कंपनी को फायदा जरूर से होने वाला, क्योंकि आप सभी ये जानते हो कि काफी सारे रेसलर्स ढंग से रेसल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर रेसल कर रहे हैं। उनका कहना ये होता है कि ऐसी बंदिश जगह पे उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, वो ढंग से रेसल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको जो एनवायरमेंट है वो ढंग से पसंद नहीं आ पा रहा है। तो सोचो अगर कोई रेसलर जो है जिसे वहां पर पसंद नहीं आ रहा लड़ना, अगर वो किसी ओपन एरिया के अंदर आकर रेसल करता है तो नो डाउट ऑडियंस ना भी उसे मजा जरूर से आने वाला है, इनफैक्ट जो फैंस उन्हें भी देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। और मान लो अगर 2 नाइट शो होने, मतलब 2 नाइट शो होने वाला है समर स्लैम, तो कहीं ना कहीं जो WWE कंपनी है वो ज्यादा मैचेस हम सभी को दिखा सकती है, वो समर स्लैम को एक बड़ा शो बना सकती है। और जब एक ओपन एंड एम्प्टी एरिना के अंदर होने वाला तो यहां पर भाई मजा तो जरूर से आने वाला है, मैचेस काफी ज्यादा कमाल के हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 2 नाइट का शो होता है तो 6-7 मैचेस एक दिन के अंदर तो हमें WWE दिखाएगी। अब वो अलग बात है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी में फर्क होता है, लेकिन यस अगर ज्यादा मैचेस होंगे तो फैंस को भी देखने में इंटरेस्ट जरूर से आने वाला है। एंड जो WWE है वो भी काफी सारे सुपरस्टार्स को हमें बुक करती हुई नजर आ सकती है समर स्लैम शो के लिए। बाकी गाइस ये है फिलहाल की स्टेटस या फिर अपडेट समर स्लैम के पूरे न्यू लोकेशन को लेकर, एंड वो 2 नाइट शो होगा या फिर नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी, टिल देन बाय, टेक केयर।